अस्सलाम वालेकुम क्लास प्रेप. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ओवर इंग्लिश बी बुक पेज नंबर 32. इंग्लिश ग्रामर की बुक खोलें, पेज नंबर 32 ओपन करें. सो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन सी वर्क डेट एंड डे. तो आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है. उसके बाद आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो है हमारा क्रिएटिव राइटिंग. व्हाट इज दिस क्रिएटिव राइटिंग? हमने क्रिएटिव राइटिंग राइट करनी है. और जैसा कि आप जानते हैं क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव मीन खुद से राइट करना, ठीक है, क्रिएट करना, खुद से बनाना. सो आवर क्वेश्चन इज राइट 5 lines अबाउट बनाना एंड कलर. आपने बनाना के बारे में 5 lines लिखनी है और इसको कलर करना है. सो व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना? येलो. व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना? येलो. नाउ यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है. ये आपको ड्रिल पहले ही क्लास में करवाई जा चुकी है. तो हमने जो शेप था इसको कट करवा के आपको यहाँ पर सीड करवाया था, ठीक है. तो आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेंगे और उसकी लाइन बनाएंगे, ठीक है. नेम. सो नेम के बारे में आप क्या लाइन बना सकते हो? माई फेवरेट फ्रूट इज बनाना, ठीक है. माई फेवरेट फ्रूट इज बनाना, या आप लिख सकते हो इट इज बनाना, ठीक है. इट इज बनाना. नेक्स्ट इज साइज. इट इज स्मॉल. इट इज बिग. इट इज स्मॉल. तो अगर बनाना जो है वो आपने, मतलब जो आपको ये है बड़ा लग रहा है तो बड़ा लिखेंगे, बिग लिखेंगे, छोटा लग रहा है तो स्मॉल लिखेंगे. नेक्स्ट इज इट्स कलर इज येलो. सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें मिला है वो है कलर. सो इट्स कलर इज येलो. या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इट इज येलो इन कलर. इट इज येलो इन कलर. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारा पॉइंट टेस्ट. सो हम टेस्ट की लाइन बनाएंगे. इट इज स्वीट. इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है. बनाना जो है वो क्या होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है. तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बनाना? इट इज स्वीट. व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बनाना? इट इज स्वीट. माय फेवरेट फ्रूट इज बनाना. इट इज स्मॉल. इट्स कलर इज येलो. इट इज स्वीट. नाउ द लास्ट पॉइंट जो हमें दिया गया है वो है सीड. तो हम क्या बनाएंगे सीड की? इट हैज नो सीड. सीड का मतलब होता है बीज. तो बनाना में कितने बीज होते हैं? नो सीड. बनाना में कोई भी सीड नहीं होता. जैसे मैंगो में सीड होता है ना, मैंगो में उसकी जो गुठली होती है वो उसका सीड होता है. इसी तरह एप्पल जब आप कट करते हैं तो एप्पल के दरमियान में से जो सीड्स निकलते हैं, जो दरमियान में छोटे छोटे होते हैं, वो भी सीड्स होते हैं. तो इसी तरह बनाना में कोई भी सीड नहीं होता. तो इट हैज़ नो सीड. इट हैज़ नो सीड. तो आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग थी वो इस तरह वो कंप्लीट हो गई. एंड इट इज़ माई फेवरेट फ्रूट इज बनाना. इट इज स्मॉल और इट इज बिग. इट्स कलर इज येलो. इट इज स्वीट. इट इज स्वीट इन टेस्ट भी लिख सकते हैं हम. इट हैज नो सीड. इसमें कोई भी सीड नहीं होता. सो राइट इट एंड प्रैक्टिस मोर क्रिएटिव राइटिंग्स एट होम ऑन रफ नोटबुक्स.